दोस्तों मैं अमित यादव। दोस्तों यदि आप ट्रेन से यात्रा करते हैं या यात्रा करने वाले हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है, क्योंकि आज यानी 10 अक्टूबर से ट्रेन से जुड़ी कुछ नियम बदल गई हैं। हमारे हिसाब से यदि आप भी ये नियम जान लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों आपको पता होगा कि कोरोना जब से हमारे देश में शुरू हुआ है तब से रेलवे की यात्रा पहले की तरह आसान नहीं है, क्योंकि इसका मुख्य कारण है बहुत सारे ट्रेन अभी ठीक से नहीं चल रहे हैं। जो नई जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं उससे आप बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं होंगे, क्योंकि ट्रेन अभी भी इक्का दुक्का ही चलेगी, लेकिन सरकार ने टिकट बुक करने की जो व्यवस्था है उसे बहुत हद तक पहले की तरह करने का प्रयास किया है। इस वीडियो में आपको ज़्यादा इंतजार न करवाकर चलिए उन नियमों के बारे में बता दें जो 10 तारीख से शुरू हो रही है। पहला नियम यह है कि आपको पता होगा कि ट्रेन के स्टेशन से छूटने से 5 मिनट या आधा घंटा पहले ही सेकेंड रिजर्वेशन चार्ट बनता है, लेकिन कोरोना के समय में चार्ट को 2 घंटे पहले ही बना दिया जाता था, लेकिन अब यह पहले वाले समय पर कर दिया गया है। मतलब आप ट्रेन छूटने की टाइम से 5 मिनट पहले टिकट बुक कर सकेंगे। दोस्तों आपको दूसरा नियम बता दें, ट्रेन के छूटने से लगभग 4 घंटे पहले ही पहला रिजर्वेशन चार्ट बन जाएगा, ताकि कोई यदि टिकट को कैंसिल करे तो ऑनलाइन उसे बुक किया जा सके। दोस्तों तीसरा नियम आपको बता दें कि सेकेंड रिजर्वेशन चार्ट जब 5 मिनट से आधे घंटे पहले बना दिया जाता है, लेकिन अब आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि सेकेंड रिजर्वेशन चार्ट बनने के बाद भी आप टिकट बुक कर सकेंगे। दोस्तों यह कुछ नियम थे जो 10 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। यह जो ट्रेन से जुड़ा नियम है वह आपको पसंद आया या नहीं कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आपको पता ही होगा कि कोरोना के कारण ट्रेन का संचालन हमारे देश में पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, लेकिन अब सरकार धीरे धीरे ट्रेन को चालू कर रही है। गाड़ी की संख्या कम करने और कुछ गाड़ी को बंद करने का मुख्य मकसद यही था कि वही लोग यात्रा कर सके जिनका यात्रा करना बहुत जरूरी हो, लेकिन अब धीरे धीरे कुछ महीनों से सरकार ट्रेन शुरू कर रही है। और आपको बता दें कि आगे कुछ त्यौहार आने वाले हैं, इसी कारण सरकार 39 जोड़ी और स्पेशल ट्रेन शुरू कर रही है। यह सारे ट्रेन 15 अक्टूबर से शुरू होंगी। एक और बात आपको बता दें कि IRCTC ने पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस 17 अक्टूबर से चलाने का फैसला कर लिया है। यह तेजस ट्रेन लखनऊ से दिल्ली और अहमदाबाद से मुंबई रूट पर चलेगी। दोस्तों आपको बता दें कोरोना की वजह से लगभग 7 महीने से ट्रेन का संचालन हमारे देश में बंद था, लेकिन आपके लिए थोड़ा दुख की बात है कि अब लगभग 150 ट्रेन हमारी मोदी सरकार प्राइवेट कंपनियों द्वारा चलवाएंगे। दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या मत है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।